कई सारे इंडियन फैंस को बड़ा ही अच्छा लगता है जब उनके फेमस सेलिब्रिटीज या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस BTS के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी तरीके से एक इंसान काफ़ी फेमस हैं जिन्होंने BTS के बारे में काफ़ी फ्रीक्वेंट बातें करी हैं, और वो हैं ट्रिगर्ड इंसान। तो रिसेंटली भी ट्रिगर्ड इंसान की एक और वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जहाँ पर वो और उनकी पूरी फैमिली BTS के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने BTS को लेकर काफ़ी सारी बातें कही, लेकिन फिर से कुछ आर्मीज को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली BTS को रोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये कहकर कि उन्हें BTS के सॉन्ग समझ में नहीं आते हैं। लेकिन ट्रिगर्ड इंसान ने BTS के बारे में फुल डिटेल में क्या कहा, वो जानने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आज के टाइम में BTS के बारे में कमेंट करने से पहले ना 100 बार कोई भी इंसान सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने गलती से भी BTS के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो फिर BTS की आर्मी से मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़बरदस्ती किसी भी एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस की वीडियो पर जाकर BTS के बारे में कमेंट करते हैं ताकि वो कुछ बोल दें और उसके बाद उन्हीं को हेट्रेड मिले, और ऐसा ही हुआ ट्रिगर्ड इंसान के साथ भी। रिसेंटली उनके एक लाइव में जहाँ पर उनकी फैमिली मेम्बर्स भी प्रेजेंट थे, उनकी लाइव स्ट्रीम में ही बहुत सारी आर्मीज कमेंट कर रही थी कि BTS के बारे में कुछ बोलो, BTS के बारे में कुछ बोलो, जिसको पढ़ने के बाद ट्रिगर्ड इंसान ने कहा कि कई सारे फैंस चाहते हैं कि मैं BTS के बारे में बात करूं। फिर ट्रिगर्ड इंसान ने बोला कि जब से मेरी वीडियो पे BTS के कमेंट आने शुरू हुए हैं, मैंने तब से BTS को देखना शुरू किया है और मैंने उनके गाने भी सुने, तब मुझे पता चला कि BTS कौन है। टॉक अबाउट BTS प्लीज। सो नहीं नहीं, अबे BTS मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी पता है यार। तो फैन ब्रो, जब से मेरे ऐसे वीडियोस पे कमेंट्स आने शुरू है ना कि BTS आप देखते हो नहीं, मैंने एक्चुअली में देखना शुरू करा कि व्हाट इज BTS, फिर मैंने उनके गाने वगैरह भी सुने एंड उनके सही आ रहा था। Undercover. देखो बस दिक्कत ये है कि मुझे समझ गाने इंग्लिश ना आते नहीं है, पहले कोरियन को क्या ही समझ आते, इंग्लिश भी नहीं आते। हालांकि ये बोलने से पहले ट्रिगर्ड इंसान के बड़े भाई ने ऐसे ही मजाक में बिहाइंड द सीन्स बोल दिया था, जिसके बाद उन्होंने बोला कि अरे मेरे को पता है BTS कौन है, मैं मजाक कर रहा हूँ। और फिर जब ट्रिगर्ड इंसान BTS की बात करने लगे तो पीछे से उनके बड़े भाई ना BTS का सॉन्ग डायनामाइट गाने लग गए और बटर गाने लग गए, वो भी मजाक में ना थोड़ी सी ऐसे अलग सी वॉइस बना के, जिसके बाद बहुत से आर्मीज ऑफेंड हो गई, क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान अपने भाई से बोल रहे थे कि हाँ तुम सही तो गा रहे हो, BTS की तरह ही गा रहे हो, फिर वो बोले कि मुझे ना गाने समझ नहीं आते इंग्लिश भी, तो कोरियन क्या ही समझ में आएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बस BTS के बारे में बात करी थी और अपनी एक बात बताई थी, लेकिन कई सारे आर्मीज बोलने लगी कि ट्रिगर्ड इंसान के भाई ने अभिषेक ने BTS की इंसल्ट करी है, उन्होंने मजाक में BTS की आवाज निकाल के ऐसे टेढ़े मेढ़े गाने गाए, और फिर वो बोलने लगे कि हाँ तुम BTS के जैसा ही तो गा रहे हो। क्या वो ये कहना चाहते थे कि BTS इतना गंदा गाते हैं, BTS को गाना नहीं आता? लेकिन दोस्तों मैं आपको या फिर कोई भी आर्मीज बस आपको यही कहना चाहती हैं कि आपको छोटी छोटी बातों को इस तरीके से क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं लेना चाहिए। उन लोगों के फैंस ने ही उन्हें कमेंट करके बोला था इसीलिए वो BTS के बारे में बात कर रहे थे, और वो बस ये बता रहे थे कि उनको इंग्लिश सॉन्ग समझ में नहीं आते हैं। लेकिन इतनी सी बात सुनने के बाद भी टॉक्सिक आर्मीज गुस्सा हो गई और वो ये बोलने लगी कि ट्रिगर्ड इंसान और उनके भाई अभिषेक ने BTS की इंसल्ट कर दी या BTS को कॉपी करने की, उनकी नकल करने की कोशिश करी। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि पूरी वीडियो देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगा कि ट्रिगर्ड इंसान या उनके भाई ने BTS की इंसल्ट कर दी? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।